कश्मीर का सफर होगा सारा इस डाले में। आओगे? स्लाइड है। ओ भाई साहब, एक ही गाड़ी की जगह है। भाई अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो भाई अभी ना टाइम हो रहा है 5:30 और आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ इन तीनों को लेकर कश्मीर, जन्नत में भाई, जन्नत में। सो वेकेशन जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो जाएगा आज से ही। हमारी फ्लाइट है सुबह सुबह के 6:30 और हमें डायरेक्ट निकलना है अभी एयरपोर्ट के लिए। काफी ज्यादा लेट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। तो ये लोग बस रेडी खड़े थे, मैं रेडी शेडी हुआ तो क्योंकि थोड़ा सा लेट उठाऊं, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इन लोगों ने काफी जिद की हुई थी और हमारा लास्ट ड्रीम मतलब के पाकिस्तान में घूमने का यही रह गया है। मतलब मैंने बहुत सारी पाकिस्तान की जगह देख ली है, घूम ली है और कश्मीर के स्टार्ट में भी गया हूँ, बट कश्मीर के अंदर साइड पे नहीं गया हूँ, जहाँ पर 8 मकाम आते हैं, जहाँ पर अरंग खेल आता है, जहाँ पर जो है नीलम वैली आती है। सो इस बार फैमिली के साथ देखने लगा हूँ वो जगह है। और ये बताना था कि कौन कौन नहीं जा रहा, जिसमें से भैया, हुसैन, पापा और बाजी और भाभी, ये सब नहीं जा रहे क्योंकि इनका प्लान एंड टाइम पे जाता कैंसिल। वरना हमारा प्लान था आज गाड़ी में जाने का, लेकिन कुछ हुआ यूं कि पापा ने जब अपने आप को मिस किया, मतलब कि पापा ने बोला भाई मैं काम है तो मैं नहीं आ सकता, तो हम लोगों ने फिर क्या किया, हम लोगों ने करा ली है टिकट, हम जा रहे हैं जहाज में। तो चलते हैं, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे यार। ये लोग निकल गए भाई, देखो निकल गए। टोटल हमारे बने हैं भाई 3 बैग्स, इसमें से 2 नीचे जा चुके हैं, एक रह गया। हटो भाई, हटो। भाई मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं इतना पीछे पड़ी थी कि माजे मुझे लेके जाए। ये मेरे छुट्टियों का आखिरी वेकेशन है, मतलब कि बस खुलने वाले स्कूल। चलो जी, तो हल्की हल्की सुबह होने शुरू हो गई है और हल्की हल्की बारिश अभी तक हो रही है, पूरी रात बारिश हुई है यार। बस ये 3 बैग आ जाए भाई पीछे। आए आ गए भाई यार। अरे भाई उठ गए महाराजा भी, बिल्कुल तुम्हारी तरह होता है जैसे तुम भी उठते रोते हो ना। सो गाइस, एडवर्ड भाई जो है ना हमारे साथ बहुत बार जो है ना जाते जाते से रह जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारी एक भाभी की और तो सब की जिम्मेदारी। हाँ, तो ये घर का पूरा ख्याल रखता है और साथ साथ जो है ये भाभी का भी बहुत ख्याल रखता है। बस ये हमारा ख्याल नहीं रखता है जब भी हमारे साथ नहीं जाता है। आप अपना ख्याल रख लेते हो ना खुद यार, है ना? हाँ ना, जब भी नहीं जाते हमारे साथ अभी। अगर हम ख्याल नहीं रखते अपना तो तुम जाते? तो फिर मैं जाता, मैं सबका ख्याल करता हूँ। गाड़ी भगानी है, जलती है। नहीं, भगानी नहीं है, पानी पड़ा हुआ है। हाँ, कहीं खड्डे में जाके पानी में जल जाए गाड़ी। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इस व्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। अब जो है ना हसीन सफर तुम लोग देखोगे। बाय बाय, जिम्मेदारी पहुंच गए एयरपोर्ट और अब चलते हैं भाई बोर्डिंग करवाते हैं और फिर बैठते हैं अंदर लॉन्च में। इतना एयरपोर्ट आ गया अब तो उसको रास्ता पता होगा। ये खुद भी बोर्डिंग करा सकते हैं अब दो। बासिल को इतनी नींद आ रही है, कहीं पर भी लेट रहे। लेट जाओ, यहीं लेट जाओ, जल्दी लेट जाओ। अरे लेट ना, अबे लेट जाओ भाई। लो बच्चे को देख लिया होगा, देख लिया बच्चे को। बस लो भाई, उसको पिक करने जा रहा है बासिल। ओ भाई साहब, उससे दोस्ती करना चाह रहा है। कर लो दोस्ती, कर लो। उई उई, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। ले भाई, दोनों की रेस हो गई। भाई बोर्डिंग ले ली और साथ साथ जो है ना डायरेक्ट ही जो है ना जहाज में बैठना शुरू हो गए। और हमारे साथ ट्रिप पे हमारा फ्रेंड भी है अनस फटान, थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग। और हम घूमेंगे भाई इनके डाले में पूरा कश्मीर। तो आप लोग देखना भाई, काफी ज्यादा एडवेंचरस है ये भी मेरी तरह, लेकिन कम एडवेंचर करेंगे। पापा ने बोला कि भाई तुम मेरे साथ कहता ना तुम्हें कोयटा में, तो तुम दोनों मिलके नहीं करना। नहीं, डाले में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहीं करोगे ना? इतना करेंगे ये लोग ना डरेंगे। तो भाई सीट जो है ना वो अलग अलग हो गई है, 3 के लोग साथ बैठ गए, मैं अकेला और जो फ्रेंड है वो भी अकेला, सारे अलग अलग। साथ ही हम यार, हम चारों साथ हैं, बट बीच में गैप है थोड़ा सा, एक सीट खाली है तुम्हारे बराबर में, कोई ना कोई आ जाएगा। थैंक यू भाई, जहाज उड़ने से पहले जो है टॉफियां मिली है, टॉफी क्यों दी इन्होंने, शायद इनको पता लगी है कि नाश्ता जो किसी ने भी नहीं किया। माशाल्लाह अंकल भी खा रहे हैं टॉफी, इतने बड़े होकर टॉफी ऐसी चीज है कि बंदा बड़ों की भी खा लेता है। तो आ चुका है भाई नाश्ता। तो यहाँ नाश्ते में अंडा है और ये कुछ चिकन टाइप या पता नहीं क्या है, और केक है और ये बन है, और यहाँ बासिल भी मजे से नाश्ते कर रहे हैं। गेम खेली थी, बासिल ने मुझसे मोबाइल छीन लिया और खुद गेम खेल रहे। बासिल ये क्या कर रहे हो आप गेम खेल रहे?
ये तो पुप्पू खेल रही थी। इसमें चुपचाप बैठना पड़ रहा है और वहाँ पर वो तीनों जो है ना वो फन कर रहे हैं बासिल के साथ, बासिल उनके साथ और वो बासिल के साथ, तो मैं चुपचाप जा रहा हूँ। आधा घंटा बचा है इस्लामाबाद लैंड होने में। कर चुके बासिल भाई, गाइस बासिल निकल गया भाई, कहाँ चले गए? इधर आओ जल्दी इधर आओ। ये आज उठा हुआ गाइस, जहाज में सोया नहीं तो ये पूरा जहाज का चक्कर लगा रहा है। इधर आ जाओ। सुनता नहीं है ये? नहीं सुनता भाई। भाई पहुंच गए इस्लामाबाद और अभी जो है हमने पिक करना है अपने बैग्स और रखने हैं भाई बाहर गाड़ी में। गाड़ी जो हमारी बाहर रेडी खड़ी है। जल्दी आओ। घूमे आओगे? घूमे नहीं आना इसको, भागना ही। देखो बोल रहा हूँ ना, तैयारी कर रहे हैं ओलंपिक की अभी से। भाई सारे बैग आ गए। सारे हो गए? हाँ। कश्मीर का सफर होगा सारा इस डाले में। काफी ज्यादा पप्पू डाला बना हुआ है और काफी मजा आएगा इस डाले में। तो इसका बम्पर जो था ना वो हटा दिया और इसने जो है ना ये हमर लगाया हुआ है, तो हमर से जो है ना उसका लुक थोड़ा अच्छा हो गया और ये आराम से ऑफ रोडिंग कर सकती है ज्यादा से ज्यादा। चलो जी बैठो। बस ये लोग कंफर्टेबली पीछे आ जाए इसके। और गाइस बैग जो है हमने खुले में छोड़ दिया पर, और हमने थरपाल जो है ना पकड़ लिया। अगर बारिश हो गई तो थरपाल पूरा नीचे और इसके ऊपर ढक देंगे ताकि बैग्स गीले ना हो। सो गाइस आपको बताता हूँ, प्लान मेरा जहाज के सफर हो गया था, ये वो, अभी फिर बैगिंग में और फिर घर के सफर से तो काफी लेट हो रहे थे। तो सफर भाई ये है, प्लान ये है कि भाई हमने पहले सोचा था कि भाई हम आज के दिन इस्लामाबाद रुकेंगे, जब पहले दिन हमने फ्लाइट करके आएंगे। बट मेरे दोस्त ने बोला और फिर घर वालों ने बोला कि भाईजान एक काम करो, जब तुम्हें इस्लामाबाद में रुकना है तो फिर तुम कराची भेज दो, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। प्लान अगर करना है तो फिर डायरेक्ट एयरपोर्ट से निकलकर कश्मीर में जो है ना वो रुकेंगे, मतलब ब्रेक जो लगेगी वो कश्मीर में लगाएंगे ताकि जो है ना ठंड का हमें एहसास। तो अभी जो है कश्मीर आज से पहले हम कभी नहीं गए और शुरू में ही गए, तो शुरू तक तो हम पहुंचेंगे, बाकी जो जितने भी सफर है वो गूगल मैप के थ्रू और या बंदों से पूछ के जो हम आगे जाएंगे। और ये सफर लगभग जो है ना वो 6-7 घंटे का हो सकता है। मुजफ्फराबाद में स्टॉप लेना पड़ेगा। ये सफर जो है ना बिल्कुल हम लोग विदाउट प्लानिंग के कर रहे हैं, सारा सफर विदाउट प्लान है। जैसे कि प्लान होते थे ना, मैंने बोला था कि अगली बार जब जाऊंगा प्लान करके जाऊंगा, लेकिन ये प्लान इतनी जल्दी में इन लोग की वजह से बनाना पड़ा कि कोई भी प्लानिंग नहीं हुई, कोई भी जगह डिसाइड नहीं हुई। बस इस तरह की शैतानी अगर कम करे तो और मजा दुबाला हो जाएगा, वरना अगर इस तरह शैतानी करते रहेंगे तो मजा खराब होगा, क्योंकि पापा डांट करेंगे, फिर रोना भी पड़ेगा तुम्हें। ओए उधर नहीं भाई, ये तो कुछ अभी बना, ये इसकी तो ऐसी की तैसी। तो भाई लंबा सफर करने से पहले टैंकी को फुल करवाना लाजमी है। तो भाई हमें याद आया कि भाई थरपाल भी लगा लेते हैं, क्योंकि आगे जो है ना फिर बारिश हो सकती है। तो भाई बैग भी हो गए सही वाले, पैक टूल आ चुका है भाई पहला, जो के पहुंचाएगा हमें मरी के रोड की तरफ, और हम लोग जाएंगे पीसी बूरबन की तरफ से होते हुए, क्योंकि कश्मीर जाते वक्त एक ही रोड पड़ता है, तो वो ये है मरी वाला रोड। मेरा गांव आ गया, गांव में उतार देना सबको। सबको यही उतार दो। भाई साहब पूरे ऊपर पहाड़ जो है ना वो बादलों में हो रहे हैं, बादलों ने ऊपर टॉप की जो पहाड़ी है ना उनको घेर लिया है, और काफी मजे का मंजर लग रहा है भाई गाड़ी से देखने का। जब उन बादलों में जाएंगे तो क्या ही मंजर होगा। भाई सब और बासिल तो पूरे निडाल हैं, एक तो सो रहा है, उसको भी दिल चाह रहा है भाई भी सो जाऊं। इस वक्त हम बादलों के अंदर आ चुके हैं फाइनली। भाई मुंह खोल लो, अपने अपने बादल अंदर खा लो। खा लो बादल। तो भाई इस वक्त पहुंच चुके हम लोग मरी में, और यहाँ पर जो है ना हर तरफ बादल ही बादल है, और दूर दराज का जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बादल ऐसी तेजी से गुजर रहे हैं यहाँ से, ये सारे सुभान अल्लाह माशाल्लाह ये सारे बादल है भाई, और नीचे तो कुछ व्यू मिलेगा ही नहीं। आओ नीचे दिखाते हैं भाई आपको। और मरी पहुंचने के बाद अब हम डायरेक्ट यहाँ से निकलेंगे अपने लोकेशन के लिए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये आंखों को तो मिल रही है ठंडक, बट दिल को जो ठंडक मिल रही है ना उसका अलग ही हिसाब है भाई। तो यहाँ से पानी वानी पकड़ लेते हैं, चिप्स पकड़ लेते हैं, और जो है और क्या पकड़ना था, जेली वगैरह फरिया के लिए। मोहम्मद फरिया कहाँ गई? ये लो भाई सारे चीजें आ गई हैं। ओके मैं आगे रख लूंगा, आप लोग को जो चाहिए होगा आप मुझे बता देना, ठीक है? सुकून मिल रहा है थोड़ा सा ना। ले लो सुकून, जब सुकून पूरा हो जाए तो फिर बैठ के अभी 3 घंटे और सफर करना है। अबे भाई 3 घंटे लग सकते हैं, बारिश वारिश तेज हो जाती है तो गाड़ी स्लो हो जाती है, और कीचड़ में चला जाता है, लैंड स्लाइडिंग, ये सारे मसले होंगे अभी हमें। चलो आगे रोड ब्लॉक हो चुका है भाई, एक कोस्टर एक ट्रक की जो है वो क्लैप हो गया है भाई। भाई फटाफट से जो है निकलो यहाँ से यार, फटाफट से निकलो, ऐसे क्लैप्स जो है ना मैं बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि हल्की हल्की से जो ना बारिश हो रही है, तो बीच बीच में रास्ते बंद हूँ। बीच रास्ते में बासिल भी उड़ गया, साथ ही साथ कश्मीर भी आ गया भाई, माशाल्लाह। भाई सफर जो है बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत पुरसकून जा रहा है, और ये है कश्मीर का गेट, वेलकम टू आजाद कश्मीर। आहा, सो भाई दरिया नीलम के नजारे हो चुके हैं और हमने इसको भी क्रॉस करना है,
एक बार याद होगा आपको मरी से आए थे, आगे जाके ना काफी वाटरफॉल आता है एक, जो कि इस दरिया के साथ कनेक्ट होता है, तो हम वहां पर आए थे। और हमने बोला था, फिर हमने उस दिन बोला था कि हम भाई इससे आगे जाएंगे जब अगली बार आएंगे। सो यस, आज वो दिन है जो हम कश्मीर घूमने आए हैं फाइनली। मुजफ्फराबाद रह गया 28 किलोमीटर और ये तय होगा हमारा 50 मिनट के अंदर। कितने मिनट में? 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये क्या गलत बता रहा है? तो पानी देख लिया भाई। जी आ जाओ। माँ क्या? नहीं नहीं इधर नहीं जाना, इधर आओ। हुई इधर आ जाओ। ओ भाई ये तो आदमी नहीं रहे। कैसे ऐसी बगी जगह आज अमनर से जड़ाएंगे इसको। बस पप्पी कम करनी, डराना ज्यादा है। पानी में नहीं जाना है। हाँ बस तो कैसे चुपचाप बैठ गया, वरना मचल रहा था कि बस मुझे बाहर लेके जाओ। क्या हो गया? स्लाइड है, स्लाइड लैंड स्लाइड है। बाईपास से किधर, कितना किलोमीटर पीछे जो पुल नहीं है, पीछे जो बोल रहा है आगे, काफी ज्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई है, सारे ट्रक वरक रुके हुए। तो अभी एक रास्ता है पीछे से बाईपास से जाने का, तो ट्राई करते हैं बाईपास से जाने की। तो ये अच्छा हुआ भाई दो रास्ते हैं, अगर एक ही रास्ता होता ना तो वापसी मुड़ना पड़ता, क्योंकि काफी हैवी वाली लैंड स्लाइडिंग हुई है। सारे ट्रक इधर भी खड़े हुए हैं, उधर भी खड़े हुए हैं। तो भाई बाईपास का रास्ता हमें मिल चुका है, बट ये थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि ये एक ही रोड है। तो लेट्स सी भाई ये कहां तक हमें ले जाता है। सारी चढ़ान ही चढ़ान है। ओ भाई साहब, थोड़ा सा कार्पेटेड रोड से कच्चा भी है। ओ भाई साहब एक ही गाड़ी की जगह है। ओ भाई आगे भी देख रहे सब दिख रहा है। तो अभी पूछते हैं भैया रास्ता जो है कितना लंबा है। चाचू क्या हाल है, ये रास्ता कैसा है यार, क्या सीन है? रास्ता बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पीछे 7 किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें 4 किलोमीटर जो है वो पक्का है, 3 किलोमीटर आपको सॉलिंग नहीं। टाइम कितना लगेगा हमें? टाइम अगर रास्ता बंद हो तो 40 मिनट आप नीचे मेन रोड पे चले जाएंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। अगर क्रॉसिंग में प्रॉब्लम होगा तो फिर थैंक यू, मशहूर होगा। पानी पीना है? पकड़ लो बस गाइस, पूरी ऑफ रोडिंग जो है ना स्टार्ट है, कम से कम 10-15 मिनट तक ये चलेगी। यूं गाड़ी हिल रही है। ये हम झूले में बैठे हैं, हमें 15 मिनट तक झूला मिलता रहेगा। क्या सीन हो गया, बैग कहाँ जा रहे हैं? अरे बैग कहाँ जा रहे हैं? नीचे वो देख के भाई, वो देख के ड्रामा रानी। इजी भाई, टेंशन वेंशन नहीं, लेकिन आप वापसी क्यों जा रहे हो? ये तो हमें डरा रहा उल्टा। और सीन क्या है वैसे यार? सीन ये रोड बंद है आगे से जानी। तुझे कैसे पता रोड बंद है आगे से? पूछते हैं उनसे यार, उन्होंने बंदे ने बताया तो मैं रिवर्स जा। अच्छा भाई जान बंद है क्या, सब खुला है? अरे कोस्टर वोस्टर भी आ रही है, अब आ रही है, बंद तो नहीं होगा यार वो? पूछो जरा, उसने पागल बना है। बंद तो खुला है ना, खुला है सारा, सब खुला है भाई। वो बंदे ने पागल बना दिया, हमारी गाड़ी पीछे ले आया। तो जी पहुंच चुके हैं भाई फाइनली मुजफ्फराबाद, और क्या क्लासिकल पुल बना हुआ भाई, और साइड में जो है वो आबादी ही आबादी। वाव ब्यूटीफुल। माशाल्लाह सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, फ्रूट सब्जी आहा, क्या बात है, क्या चमक धमक है भाई यहाँ के फ्रूट और सब्जियों में। तो गाइस हमने होटल भी ले लिया है, और होटल जो है हमें बहुत ही अच्छा मिल गया है भाई, क्योंकि हमने जो है ना सिर्फ यहाँ पर रात गुजारनी है और सुबह सुबह फिर आगे निकलना है। अभी हमने प्लान ये बनाया कि मुजफ्फराबाद में रुकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा थके हुए हैं और सोना भी है, नींद भी पूरी नहीं है और भूख भी बड़ी लगी थी। आज के दिन हम गुजारेंगे मुजफ्फराबाद में, और उसके साथ साथ कुछ खाने पीने का अच्छा अच्छा यहाँ पर जो स्पेशल होता है वो मंगाएंगे। तो अभी 3 बेड्स हैं, 1, 2, 3, ये तीनों पे हम और एक नीचे बेड लगा लेंगे। चले भाई आ जाओ जल्दी, व्यू देखने चले, कौन कौन चला, जल्दी आ जाओ। चलो। वाह मुजफ्फराबाद है ना, ये पहाड़ों में ही है, बहुत सारे घर बने हुए, और यहाँ पर एक बार हादसा हो चुका था, और वो बात मुझे आज तक याद है, क्योंकि मेरे बचपन में वो हादसा हुआ था, मतलब मैं 12-13 साल का हूँ, तो मुजफ्फराबाद में एक लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जो कि पूरा पहाड़ आधा नीचे गिर गया था, जिसमें सारे घर वर बने हुए थे, सारे लैंड स्लाइडिंग में बह गए। तो मतलब कि इतना खतरनाक हादसा हो जाता है। क्या पुराने जमाने के बादशाह कहाँ है, बादशाह है वो
गिर ना जाइए जुड़े जुलते जुलते, लेकिन बस सिर्फ दो मिनट के पैसे दिए मैंने उनको इधर बैठने के। चलो तुम्हारा उम्मीद से बाहर निकलो। रूम में घुस गए ये लोग जैसे, लेकिन व्यू मजे का इस रूम से। ओ भाई इसको नहीं लेकर आया अच्छी जगह पर भाई। चलो शोर नहीं करो, छोड़ा 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 अंदर जाना है, जाओ लो भाई दोस्त उधर ही बैठना है। क्या करूँ मैं, अब रूम ले लूँ? तुम लेकर रूम है सिंगल लोग के लिए, अलग रूम ले लेते हैं। वैसे मम्मा लोगों को मैंने रूम दिखाया था, मम्मा लोग बोली थी कि नहीं हमें तो सिर्फ मतलब रात ही गुजारनी है, तो हमें आगे जाके अच्छे अच्छे होटल लेंगे, अच्छे अच्छे रूम्स लेंगे। बट अब ये बासु ने जो ना छड़ा छड़ी कर दी है, तो अब लेना ही पड़ेगा। या कोशिश करते हैं इसको थोड़ी बनाने की, ताकि हम जो है ना फिर आगे जाके अपने पैसे को अच्छे से स्पेंड करें, क्योंकि हम बस चलती राह में अभी जो है ना। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो ना, तो करीब करीब जो लाइक आपको कहीं इमरजेंसी में रुकना पड़ जाए और रात गुजारनी पड़ जाए, तो वहाँ पर काम चला लिया करो। इसको बुलाते सही है, नहीं लेते ये। चलो क्या लिखा हुआ है, एच एस विंग फैसिलिटीज ओनली फॉर गेट्स अंडर 8 सेकंड। ओ अलाउ ही नहीं है ये, तुम्हें तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल उतरो उतरो। वाह कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा, इसको पागल बना रहा हूँ। वो देखो स्विमिंग, कोई दादी का होगी, दादी को बहू ने काट लिया। आओ देखिए दादी को बहू ने काट लिया, दादी बहू ने काटे, दादी को बहू ने काट लिया भाई। दादी को भाई अब तो ये सब भी होगा ना, बड़ा होते जा रहा भाई, जिदे करेगा पूरी पूरी। बाहर बहू है, बहू दादी बाहर बहू है, नहीं खुलेगा। आज ये मेरा ट्रेवल एक्सपेंस जो है ना वो ज्यादा लगवाएगा मुझे लगा स्टार्ट में। बस मैं बोल रहा हूँ ले लो भाई यार, मैं लोगों को शेयर कर रहा था अपने ट्रेवल। क्या अच्छा अभी आ चुके, खाना खाना भी निकाल लिया, खाने में है भाई चिकन कढ़ाई और साथ साथ लोग बोले भाई चावल है यहाँ के स्पेशल, तो फटाफट से चखते हैं चावल और बताते हैं कि चावल का टेस्ट यहाँ पर है कैसा। यम्मी, कढ़ाई भी खा के देख लेते हैं। बहुत मजेदार भाई, गिर जाओ फिर बैठो, मजे गए भाई बहुत मजे। फिर मिलता है आपको खाना खाने के बाद, या तो फिर सो के उठने के बाद। चलो पी लो फटाफट फटाफट, ग्राम में जल्दी पियो, मीठी पी लिए। चलो बस हो गई भाई, चलो चलो सो गाइस, उड़ते उड़ते भाई 11:30 हो गए और बासिल के साथ जो है बस खेला जा रहा है, क्योंकि बासिल जो है ना जो वॉशरूम में जा रहा है बासिल रो रहा है, जो बाहर जा रहा है बासिल रो रहा है। मम्मा ने उसको कीड़ों में लगा दिया अभी कि वो देखो कीड़ा आ गया, वो देखो कॉकरोच आ गया, ये सबको मारने जा रहा है, किसी को वॉशरूम में जाने नहीं दे रहा ये है। सॉरी बस लग गया मुक्के। चलो गुड, दोनों हाथ से इसको तो गुस्सा नहीं होता। निकल गए जाओ बस। अब इसको बाहर जाना है, जो बाहर नहीं भेजो, जो सब सो रहे बाहर यार, ये रोएगा। जो 11:30 हो रहे हैं, मैं देख रही बात कितना तंग करता, देख लिया। अब मैं आपको ले आया हूँ, देखो आप कितना तंग करते करेगा। जाहिर है एक कमरे में कैद थोड़ी रह सकता है, अब हम लोग रोएंगे थोड़ी कि हम यहाँ से निकाल बाहर। अच्छा इसको नहीं पता ना मजा करना है क्या करना है, इसको थोड़ी पता है भाई। बासिल को चुप करा दिया है सिलेंटी और ये जो है ना इसको टैब में कार्टून शार्टून लगा दिए। अब मैं सुकून फैन करता हूँ ब्लॉग। आज के दिन जो है ना काफी ज्यादा थकन वाला था, क्योंकि हम लोग जो है ना वो सोए भी नहीं थे, एक घंटा ही में सोए था भाई। तो अब करते हैं इस व्लॉग को एंड, तो आप लोग को आगे जो है ना मजा आएगा, बट आगे जो है ना मुझे पता लगेगा भाई सिग्नल्स जो है ना वो नहीं है, तो आई थिंक सो नेट में और व्लॉग्स में जो है ना वो लेट हो जाए, तो ऐसा अक्सर हो जाता है। चंद पहाड़ पे नेट अभी तक सर्विस कंप्लीट ही नहीं हुई, तो जब टूरिस्ट घूमने फिरने जाते तो उनको नेट से दूर रहते, तो लेट्स सी भाई क्या होता है। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आगे आगे देखते रहना, मजा आएगा काफी। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुश रहो, खुश रहने का।